students, good morning everyone and welcome to the maths class. Today we revise our unit number 3. Unit number 3 में हमने क्या किया वो सब आज हम revise करेंगे, right? First of all, we do the one digit subtraction. It means 8 minus 5 is equal to 3, 9 minus 4 is equal to 5, 7 minus 4 is equal to 3, 10 minus 0 is equal to 10, right? इन दिस वे. और ये बात आप खास ध्यान रखना कि किसी भी नंबर में से अगर जीरो माइनस करो तो जो नंबर है वो ही आंसर आता है. नाउ टू डिजिट सब्ट्रैक्शन. सो हियर इज़ द 78 माइनस 36. सो 78 में से अगर 36 हम माइनस करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द वंस पार्ट डिजिट. इट मीन्स वंस पार्ट का हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ऊपर बिगर नंबर ही होना चाहिए, नीचे स्मॉलर नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि बिगर नंबर में से ही हम स्मॉलर नंबर को माइनस कर सकते हैं. तो हियर इज़ द 8 माइनस 6. 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 3. बिकॉज हम वंस का पहले किया सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर हम टेंस का करेंगे. सो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. नाउ टू डिजिट सब्ट्रैक्शन विथ बोरो. सो 72 माइनस 36. सो पहले हम वंस पार्ट का सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो हमने यहाँ पे वंस पार्ट में देखा 2 माइनस 6. तो ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो हम सब्ट्रैक्शन सिंपली नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, आगे के नंबर से बोरो लिया, 10 में से एक नंबर माइनस करके वो 110 था उसका हमने वंस में कन्वर्जन कर दिया. यानी कि 7 का हो गया 6 और 2 का हो गया 12. अब 12 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6, और 6 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हम आंसर मिलेगा 3. सो आंसर इज 36. नाउ सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम. तो सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम के स्टेप्स है NADOS, राइट? नंबर्स एंड कीवर्ड्स, व्हाट इज आस्क्ड, देन ड्रॉ ऑपरेशन एंड सोल्व, राइट? नाउ हियर इज सैम हैज 75 कैंडीज. ही गेव 21 टू टीना एंड 17 टू हरी. So numbers are 75 and 21 and 17. And keywords is remaining. Remaining is the keyword. Now what is asked? How many candies are remaining with him? So here is the 75 candies. 21 give to Tina and 18 give to Hari. So 75. Operation कौन सा होगा? तो कि भाई keyword तो remaining है, तो remaining means subtraction word. तो यहाँ पर subtraction होगा. तो सबसे पहले हम 75 में से 21 को माइनस करेंगे, राइट? 75 माइनस 21 इज इक्वल टू 54. नाउ 54 माइनस 17, क्योंकि जो उसके पास 54 बची थी उसमें से भी उसने हरी को दे दी 17. तो 54 माइनस 17 इज इक्वल टू 37. उसके बाद हमने ये रुपीस का सीखा एक्सचेंज किस तरह से करना है, कि भाई सैम गो टू द आइसक्रीम शॉप, ही बाइज द आइसक्रीम कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज. सैम गिव 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, देन शॉपकीपर हाउ मच रिटर्न. सो कि भाई 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 रिटर्न टू सैम. एंड ऑल्सो इफ आई हैव 80 रुपी एंड इफ आई वॉन्ट आई स्पेंड 66 रुपीज टू बाय अ केक. मैंने 66 रुपीज की केक बाई की, तो मेरे पास अब कितने रुपीज बचेंगे? तो कि भाई 80 में से मैंने 66 को खर्च कर दिया, तो 80 माइनस 66 इज इक्वल टू 14. 14 रुपीज वुड बी लेफ्ट विथ मी. ओके, इफ एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस आस्क मी ऑन द गूगल मीट एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कशीट नंबर 19. ओके.